पिछले दिनों डोंगरगढ़ इंडियन गैस एजेंसी में चोरी का आज 3 दिन बाद खुलासा हुआ। गैस एजेंसी के कर्मचारी ही चोर निकला। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी किए गए 6,09,400 रुपए बरामद किए हैं। शहर के इंडियन गैस एजेंसी के 1 फरवरी को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। वहीं डोंगरगढ़ SDOP प्रभात पटेल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1 फरवरी को इंडियन गैस गोदाम में 6,09,400 रुपए नहीं प्राप्त होने की सूचना मिलने पर साइबर और थाने की टीम बनाकर 8 से 10 संदिग्ध लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई थी, जिसमें से एक संदिग्ध शेख इस्लाम अलग अलग गोल मोल जवाब देने लगा, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सामान और पैसे चेकबुक घर में रखना बताया। उसके निशानदेही के बाद उसके घर से चोरी की रकम पैसे बरामद किए गए और न्यायालय में पेश करने पर कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 1 फरवरी को वासनिक जी के इंडियन गैस गोदाम में 6,09,400 रुपए की नहीं मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना को तस्दीक करते हुए साइबर और थाने की विशेष टीम बनाकर SP श्री मीना सर और एडिशनल SP सर के मार्गदर्शन में संदिग्धों की चेकिंग की गई। 8 से 10 लोगों अलग अलग संदिग्ध लोगों को बुलाकर पूछताछ किया गया। इसी पूछताछ के दौरान एक संदिग्ध शेख इस्माइल पिता शेख अब्दुल जो है अलग अलग गोल मोल जवाब देने लगा। उसकी क्रियाकलाप जो है डाउटफुल थी। इसी आधार पर उससे पूछताछ करने पर जो है उसने अपना जुर्म कबूल किया और जो है सामान पैसे और चेकबुक जो है घर में रखना बताया। उसकी निशानदेही पर उसके घर से चोरी की रकम और सामान जो है बरामद किया गया और न्यायालय पेश करने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।